हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपको जिस यूजफुल प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है कपड़े सुखाने वाला रैक। हाँ भाई, मुझे पता है कि सबको इस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी पहले से ही पता है, लेकिन मैं फ्लोर पे लगने वाले रैक की नहीं, सीलिंग पे लगने वाले रैक की बात कर रही हूँ और एक यूनिक रैक के बारे में आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इस सीलिंग क्लोथ ड्रायर स्लैश रैक स्लैश हैंगर के बारे में नोविस सुजाता के इस एपिसोड में। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैं आपसे जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये होमवेल का सिक्स पाइप वाला इंडिविजुअल पुल वाला हैवी ड्यूटी सीलिंग ड्राइंग रैक। फ्रेंड्स हमने जस्ट नगर में शिफ्ट किया तो मुझे इस बार सीलिंग पर लगने वाला क्लोथ ड्रायर रैक लेना था, क्योंकि मेरे पुराने घर पे फ्लोर पे रखने वाला क्लोथ ड्रायर स्टैंड था जिसकी वजह से बालकनी में बहुत एरिया कंज्यूम हो जाता था और बालकनी इतनी कंजेस्टेड हो जाती थी कि वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं, तो अमेज़ॉन पर मैंने बहुत सारे क्लोथ ड्रायर सीलिंग पर लगने वाले रैक के बारे में सर्च किया। अमेज़ॉन पे सर्च करने पर मुझे होमवेल का ये वाला सीलिंग रैक बहुत पसंद आया, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और बाय द वे फ्रेंड्स आपको बता दूँ ये कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। इसका पार्सल इतना बड़ा डिलीवर हुआ, मेरे घर पे ऑलरेडी कारपेंटर का काम चल रहा था तो मैंने उनसे ही इसे अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन के लिए कहा। इसमें 6 रॉड्स मिलते हैं जिनकी लेंथ 7 फीट की है और इसके साथ सब एक्सेसरीज भी बॉक्स में आती है, इवन नेल्स और ग्रिप भी। बाहर से कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इंस्टॉलेशन खुद करना तो ऑलमोस्ट मुश्किल है, बाहर से ही किसी को बुलाकर करना पड़ेगा। अमेज़ॉन पे इंस्टॉलेशन का वीडियो मिल जाएगा, उसे देखकर ही मैंने इसे इंस्टॉल करवाया। ये ऐसा प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट हर दिन यूज़ होता है, तो मैंने सोचा कि फटाफट रिव्यू देने से बेटर है कि एटलीस्ट मैं इसे एक महीना यूज़ कर लूँ और उसके बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो ये है मेरा पर्सनल रिव्यू एक महीने यूज़ करने के बाद का। मेरी वॉशिंग मशीन 8 केजी कैपेसिटी की है जिसमें हर रोज़ भर भर के कपड़े धोए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे की स्टैंड पे इजीली आ जाते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और तो और मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। बहुत से सीलिंग रैक में इंडिविजुअल रॉड नीचे ऊपर करने का ऑप्शन नहीं होता है, सब साथ में नीचे आते हैं जिसकी वजह से बहुत हैवी हो जाते हैं, पर इसमें सिंगल सिंगल रॉड नीचे ऊपर करने का ऑप्शन है, इसलिए ये लाइट वेट है और इसके रॉड स्टेनलेस स्टील के बड़े होने की वजह से रस्ट प्रूफ है। इसमें जो नायलॉन की रस्सियाँ लगी है वो यूवी रेज प्रोटेक्टेड है जिसकी वजह से धूप लगने पर ये ख़राब नहीं होगी। अमेज़ॉन पे भी इसे कस्टमर की तरफ से इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग इसे ये रेटिंग्स मिले हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल 4.4 स्टार्स, स्टर्डीनेस 4.3 स्टार्स, ड्यूरेबिलिटी 4.2 स्टार्स, ईजी टू असेंबल 4.2 स्टार्स, ईजी टू इंस्टॉल 4 स्टार्स, वैल्यू फॉर मनी 4 स्टार्स। इसे यूज़ करने के बाद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए कुछ टिप्स है। पहला, लेने से पहले अपनी बालकनी का डायमेंशन चेक कर ले, आपकी बालकनी 7 फीट से लंबी होनी चाहिए। दूसरा, इसके रोप्स अगर नीचे ज़मीन पर टच हो रहे हैं तो इसे कट ना करें, ऐसे असेंबल करके रख दें ताकि आगे शिफ्ट करने पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बेस्ट है अगर आपके पास बालकनी है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप सीलिंग पर ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कर सकते तो आप डेफिनेटली करें, फ्लोर पे लगने वाले स्टैंड से तो बहुत बेटर है। होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको यूज़फुल लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए और यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ। टिल देन सब्सक्राइब मी एंड स्टे अपडेटेड।